अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई मैं आज आपको चने की दाल और करेले की रेसिपी देती हूँ। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं, चने की दाल 1 कप ली है, उसको साफ करके पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दी है। भिगोने के बाद 30 मिनट बाद इतना पानी डाला है एक देगची में जिसमें चने की दाल 90% गल जाए और उसको गला लिया। 2 से 3 करेले लिए हैं, उनको काट लिया और उन पर नमक छिड़का है और 5 मिनट के लिए रख दिया और 5 मिनट बाद पानी से धो लिए और निचोड़ लिए। हल्दी ली है मिसाला जात में, कोरिएंडर पाउडर ली है, क्रश चिली ली है, रेड चिली पाउडर, साल्ट को जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन, टमाटो लिए 1/3 कप, कुकिंग ऑयल लिए यानी 5 टेबल स्पून। ये देखिए करेले बहुत अच्छी तरह से धो लिए और निचोड़ लिए। करेले में पानी नहीं रहना चाहिए, इतना अच्छा निचोड़े। और ये दाल मैंने गला ली है 90%। देखिए मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, करेले डाले हैं। करेलों को मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। करेलों के साथ अनियन नहीं डालूंगी और ना करेलों से पहले अनियन डालूंगी, क्योंकि करेले लेट फ्राई होते हैं और अनियन जल्दी फ्राई हो जाते हैं यानी ब्राउन हो जाते हैं। अभी देखिए लाइट ब्राउन हुए, अब मैं अनियन डालती हूँ। ये अनियन डाले, ये 1 मीडियम अनियन है। अब इसको डार्क ब्राउन होने तक पकाऊंगी अच्छी तरह। जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं 1 मीडियम टमाटो डाइस किया हुआ डालूंगी और उसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी इसके साथ, और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। ये करेले बहुत ही मज़े के बनते हैं, जायके में आप ज़रूर ट्राई करें, ये कड़वे नहीं बनते। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ मैं, हल्दी, साल्ट, रेड चिली पाउडर, क्रश चिली, कोरिएंडर पाउडर डाल के इसको थोड़ा मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून पानी डाल के दम डाल दूंगी। आग बिल्कुल धीमा कर दूंगी ताकि अपने मिसाला जात इस अपना फ्लेवर छोड़ दें करेलों में, प्याज में और टमाटर में। ये देखें दम दे दिया, आग बिल्कुल धीमी कर दी है। और अब लेड उठा के मैं दाल शामिल कर रही हूँ। दाल को मैंने 90% गला ली है, इसलिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है दाल को गलाने के लिए यहाँ पे। अब मिक्स करके 3 से 4 मिनट में इसको दम दूंगी ताकि सारे मसाले दाल के अंदर अपना फ्लेवर छोड़ दें, और फिर मैं डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।